नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के शुल्क को अब 15 तक करवा सकते हैं जमा। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से सभी स्कूल को आगाह किया है जिसमें मैट्रिक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म शुल्क अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए 15 नवम्बर तक शुल्क जमा करने का आदेश जारी किया है। बोर्ड ने बिना शुल्क जमा किए छात्रों का भी डमी एडमिट कार्ड हालांकि जारी कर दिया है जिसको देखकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बोर्ड की माने तो शुल्क जमा करने के लिए स्कूल प्रशासन को बार बार कहा गया लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन ने शुल्क जमा नहीं करवाया है। शुल्क जमा करने के लिए बोर्ड ने अब 15 नवंबर तक इसको खुला रखने का आदेश दिया है। अगर इसी बीच छात्रों का शुल्क जमा नहीं हुआ तो पूरी जवाबदेही स्कूल प्रशासन की होगी। कल राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव में पटना की 9 सीटों पर होगा चुनाव। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल करवाया जाएगा। वहीं 3 नवम्बर को होने वाले चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार 9 सीटों पर कुल मिलाकर 176 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जानकारी दे दी है और बताया है कि कुल 250 आदर्श और महिला मतदान केंद्र बनवाए गए हैं। कोरोना प्रभावित मतदान समाप्त होने के 1 घंटे पहले बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें जिन विधानसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग करवाए जाएंगे उसमें बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र, दीघा विधानसभा क्षेत्र, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र, फतुहा विधानसभा क्षेत्र, दानापुर विधानसभा क्षेत्र, मनेर विधानसभा क्षेत्र, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के नाम शामिल है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद का जन्म आज ही के दिन 2 नवंबर 1978 को हुआ था। अनुराग आनंद एक भारतीय लेखक है जिनकी स्वयं सहायता, सामान्य कल्पना और ऐतिहासिक कथा शैलियों में कई सर्वश्रेष्ठ शीर्षक है। उन्होंने यह भी फार्मास्यूटिकल, तेजी से बढ़े उपभोक्ता वस्तुओं और वित्तीय सेवाओं जैसे उद्योग में अनुभव के साथ एक कॉर्पोरेट पेशेवर के रूप में भी उन्हें पहचाना जाता है। आनंद के लेखन करियर की शुरुआत किताब पिलर्स ऑफ सक्सेस से हुई थी जो एक सेल्फ हेल्प बुक है जो दिल्ली के गैर सरकारी संगठन UNES के साथ अपने कॉलेज के दिनों में आनंद के जुड़ाव का कारण है। UNES के युवा विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में आनंद ने देश भर के स्कूली छात्रों को व्यक्तित्व विकास के पहलुओं पर व्याख्यान दिया। तब से आनंद ने सामान्य फिक्शन और ऐतिहासिक फिक्शन उपन्यास भी लिखे हैं। कल होगी दूसरे चरण की वोटिंग। विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में 3 चरण में आयोजित करवाए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हो चुकी है जबकि दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी कि कल होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार प्रसार पहले ही रोक दिया गया है। अंतिम दिन चुनाव प्रचार में सभी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 94 सीटों पर मतदान होने हैं जिसमें कई दिग्गज नेताओं के चुनावी जीवन का फैसला होने वाला है जिसमें पटना साहिब के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, मधुबन से सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राघोपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हसनपुर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, गाजीपुर से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा सहित कई चुनावी मैदान में है। इस चरण में कुल मिलाकर 1463 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 1316 पुरुष, 146 महिला और एक थर्ड जेंडर शामिल है। दूसरे चरण में 2,85,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें चरण के लिए कुल 41,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा रैली में बुजुर्ग महिला का किया जिक्र। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में किए गए चुनावी सभा में एक बुजुर्ग महिला का जिक्र किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में एक गांव के बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, उसे आपने भी देखा होगा। इसमें एक व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि मोदी को काहे खातिर वोट देबो, आखिर मोदी ने तुम्हारी खातिर क्या किया है। उस गांव की महिला ने उसके सवाल का जवाब एक सांस में दिया। उस महिला ने बिना लाग लपेट के कहा कि हमरा के नल देहलन, लाइन देहलन, बिजली देहलन, मोदी हमरा के कोटा देहलन, राशन देहलन, पेंशन देहलन, मोदी हमरा के गैस देहलन, उनको क्यों ना वोट देवे, उनको वोट ना देवे तो का तोहरा के वोट देवे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो का जिक्र करते हुए आगे कहा कि इस वीडियो को देखकर मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। इस वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। पटना में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी मुफ्त परिवहन सुविधा। पटना में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग मतदाताओं को उक्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सेवा 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदान की जाएगी। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 120 रुपए तक का बिल आने पर यह सेवा 100% मुफ्त होगी। यदि बिल 120 रुपए से ज्यादा बढ़ता है तो यह राशि उपयोगकर्ता द्वारा देय होगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय द्वारा मतदाताओं को उनके मोबाइल नंबर पर कूपन कोड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी वैधता 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर ही कूपन मिलेगा जिसके तहत बिहार के टोल फ्री नंबर 1800034
5195095 0 से 3 नवंबर को संपर्क कर कूपन कोड प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद मतदाता को अपने मोबाइल पर उबर ऐप डाउनलोड करना होगा और उनका अकाउंट खोलना होगा, मतलब कूपन कोड की प्रविष्टि करनी होगी। इसके बाद मत परिवहन के लिए अनुरोध करना होगा। तेज प्रताप यादव के प्रचार करने का दिखा अनोखा अंदाज। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए बीते दिन से चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए राजद, भाजपा, जदयू से लेकर हर किसी ने पूरा जोर दिया। वहीं समस्तीपुर से हसनपुर विधानसभा सीट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपना प्रचार प्रसार किया। हालांकि वो इस दौरान नए अवतार में दिखे, जहां तेज प्रताप यादव घुड़सवारी कर लोगों से वोट मांगते देखे गए। कुछ दिनों पहले हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के पानी में घिरे इलाकों में तेज प्रताप यादव चुनाव के प्रचार करने पहुंचे थे। काफी देर तक वो नाव पर ही देखे गए थे। इसके बाद उन्होंने एक बैलगाड़ी पर बैठने की तस्वीर भी साझा की थी, जिसके बाद अब घुड़सवारी कर रहे तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव भले ही अभी दूर रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डबल नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक और बयान जारी करते हुए ट्वीट किया और केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के बाद तो डबल इंजन कहां थी। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन वाले बयान पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं बताया कि सरकार के चलते बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों बढ़ गई। चुनाव के एक दिन पहले पुष्पम प्रिया चौधरी को आई तेंदुलकर, पेले समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों की याद। दूसरे चरण के चुनाव के तहत कल राजधानी पटना में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर सबकी नजर है, उसमें से एक पटना का बांकीपुर सीट भी है। इसी से बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार खुद को बता चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी किस्मत आजमा रही है। इस सीट से हाई प्रोफाइल होने का एक और कारण यह भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की उम्मीदवारी भी है। हालांकि कल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले का परिणाम बक्से में बंद हो जाएगा। वहीं चुनाव से ठीक पहले अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर दिग्गज खिलाड़ियों को याद करते हुए एक तस्वीर शेयर किया गया, जिसमें 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले महान खिलाड़ियों का उन्होंने जिक्र किया है। इस तस्वीर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर फुटबॉलर स्टार पेले और जेरेडिन जिदान की तस्वीर भी शेयर की गई है। यह सभी खिलाड़ी इस तस्वीर में 10 नंबर की जर्सी दिखाई दे रहे हैं। वही इस तस्वीर को शेयर करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा, 10 ऐतिहासिक नंबर है। इस बार बांकीपुर में जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो 10 नंबर का नया इतिहास बनाने का मौका देंगे इस बार शतरंज। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने लॉन्च किया बदलो बिहार गेम। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचार के रोज एक नई तकनीक लॉन्च कर रही है। रविवार को पार्टी ने सोशल मीडिया पर बदलो बिहार गेम नाम से एक गेम लॉन्च किया है। कांग्रेस का मकसद इस गेम के जरिए जदयू भाजपा सरकार की गड़बड़ियों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना है। पार्टी का कहना है कि राज्य के भाजपा जदयू सरकार ने रोजगार मांग रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं पर लाठी भांजी थी। युवाओं को चुनाव के वक्त उन बातों को याद दिलाने के लिए पार्टी ने यह गेम लॉन्च किया है। इस गेम में भाजपा जदयू के शासनकाल में जितने आम व्यवस्था को बिहार ने झेला है उसे याद दिलाया गया है। इसके साथ ही उस पर निशाना साधने वालों को सफल घोषित किया जाता है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि गेम को काफी रोचक बनाया गया है। गेम प्ले होते ही बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जिस पर कांग्रेस द्वारा जारी बोले बिहार महागठबंधन सरकार का थीम सॉन्ग बजने लगता है। तेजस्वी यादव ने की अमित शाह के स्वस्थ होने की कामना। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दे पर तो घेरा ही, साथ ही उन्होंने अमित शाह के स्वस्थ होने की भी कामना की। बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह के बिहार में नहीं आने पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, बस जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि वो काफी ज्यादा बीमार है। हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कैसे रोजगार देने की बात कर रहे हैं यह अब नीतीश कुमार बताएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी विभाग में सीट रिक्त पड़ी है। इन सभी जगह पर जब भर्ती नहीं होगी तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे सुधार होगा। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज का मैच काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जहां एक तरफ आज का मैच आरसीबी के लिए निर्णायक साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की शुरुआत बेहद ही रोमांचक तरीके से की थी, लेकिन बीच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की परफॉर्मेंस निराशाजनक देखने को मिली। आरसीबी की शुरुआत भले ही खराब हुई, मगर बीच में आरसीबी ने लय पकड़ लिया था, जिसके बाद आरसीबी फिलहाल दूसरे नंबर पर है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो आरसीबी लगातार अपने पिछले 2 मैच को हार चुकी और 14 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर
पर ही विराजमान है। वहीं आरसीबी के लिए आज का मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है और जरूरी भी, क्योंकि अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे आज का मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स भी तीसरे स्थान पर मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरसीबी का मुकाबला पूरे जी जान से करेगी ताकि वो भी प्लेऑफ में जगह बना सके। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब यूट्यूबर ध्रुव राठी को लिया निशाने पर। अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के बाद अब यूट्यूबर ध्रुव राठी पर निशाना साधा है, जिसके तहत ध्रुव राठी ने हाल ही में अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कंगना पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस वीडियो में ध्रुव ने बताया कि कैसे अभिनेत्री को कथित तौर पर बातों को तोड़ मरोड़ कर बोलने की आदत है। कंगना ने जिसके बाद यूट्यूबर को मूर्ख बताया है और यह भी कहा कि इस वीडियो को बनाने के लिए उन्हें बड़ी रकम दी गई है। दरअसल एक ट्वीट पर पत्रकार फिल्म मेकर ने एक यह लिखते हुए आरोप लगाया कि एक बेनाम यूट्यूबर ने अटेंशन नाम से एक वीडियो बनाकर कंगना की छवि को धूमिल करने की कोशिश की और इसके लिए उसे बड़ी रकम मिली है। उन्होंने लिखा कि इस यूट्यूबर को कंगना पर निशाना साधने के काम पर लगाया गया था। हालांकि उन्होंने ध्रुव का नाम सीधे सीधे नहीं लिया था, लेकिन ध्रुव ने इनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद उन्होंने लिखा था कि क्या यह खबर में मेरा जिक्र हो रहा है। पहली बात, किसी ने मुझे कंगना पर वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं दिए। दूसरी बात, काश मेरी स्पॉन्सर फीस प्रति वीडियो 30 लाख में हो, कितना अमीर हो जाऊंगा मैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 82 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 45,230 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 82,29,313 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 496 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,22,607 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता देखा जा रहा है, जिसके तहत बीते दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट भी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 75,44,798 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार छठ महापर्व के घाटों पर आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।